बहुत से बच्चों को जो है वो डायबिटीज़ पैदा होते ही डिटेक्ट हो जाती है अरे और उसी टाइम से इंसुलिन लगना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को इंसुलिन लगता है, बिल्कुल, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। तो बॉडी आपकी ये चीज़ें खाना स्टार्ट करती है। इसलिए साइलेंट किलर है ये। हाँ, धीरे आपकी धीरे बिल्कुल धीरे धीरे इसको धीरे वहां से नहीं मिल रहा, ये अपनी उसको नीड्स को एनर्जी पूरी करने चाहिए। के लिए, एनर्जी को पूरा करने के लिए पूरी बॉडी को खा रहा है। बिल्कुल, आप उसके बाद फिर आपने कई सारे पेशेंट देखे होंगे डायबिटीज़ के, कि पेट उनका काफ़ी मोटा होगा लेकिन जब उनके आप बाइसेप्स को बाजू देखते हैं कमजोर बिल्कुल होगा। कमज़ोर होते हैं। उनके चेहरे को देखना, ऐसे सोचने के 1-2 महीने के बाद पता लगा कि बच्ची का वेट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर 20 किलो घट गया अपने आप, अच्छा, 20 किलो अपने आप घट गया। आज का ही पॉडकास्ट सेशन जो है वो हम लोग ले रहे हैं एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो इंडिया में ऑलमोस्ट 40% लोगों को है, और ये बीमारी सुन के लोग समझते हैं कि अब तो इसका कोई इलाज है ही नहीं। वो है डायबिटीज़, जिसको लोग बीमारी, कुछ लोग बीमारी गिनते भी नहीं हैं और कुछ लोग इसको बीमारी गिनते हैं। बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, समय के साथ आपको झेलना पड़ेगा। बहुत बीमारियाँ इसके साथ कनेक्टेड हैं, बहुत से रोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, और इसकी जो डिटेल है आज हम एक एक डिटेल पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आज इसके लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जगमीत सिंह जी, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और अमेरिका से इस चीज़ों के लिए पूरा डायबिटीज़ के ऊपर इन्होंने सर्टिफिकेशन किया है और लोगों को एजुकेट करते हैं। आज किसी तरह से हमने इनसे टाइम लिया और इस पॉडकास्ट में आज हम हमारे बीच में हैं जगमीत सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं थैंक यू सर इस सर, थैंक यू। पॉडकास्ट में। आप एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट रहे हैं, तो सर डायबिटीज़ जो है वो अपने आप में बहुत ही मतलब बड़ा वाइड टॉपिक है। थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जी कि कैसे आप, मतलब क्यों आपका जो इंटरेस्ट है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ, और ये कैसे कैसे आपका रुझान बना है इसमें? देखिए, पहले जब मतलब यंग थे हम सोचते यंग तो थे, आप अब भी हो सर स्टिल यंग, खैर आजकल जो आपका एज यंग, कितना आई एम 26 राइट नाउ। सो सर? पहले वाह, मेंटालिटी क्या होती थी लोगों की, कि हम नॉर्मल खेल कूद कर करते थे, जैसे राइट आपके टाइम में गुल्ली डंडा था, हमारा जी, जब क्रिकेट टाइम है तो क्रिकेट क्रिकेट फैन बने आ हम, गया ठीक है, है। राइट एंड नाउ डेज जो मेन पैशन है, ठीक है, वो है जिम, हाँ ठीक है। बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 18 जिम मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि क्रेज़ था कि मुझे जल्द से जल्द बॉडी बनानी। और जब मैं जिम गया, लोगों को देखा, ट्रेनर से मिला, उनसे बातचीत हुई, तो एक चीज़ थी जो अभी भी मुझे खटकती है, वो थी सप्लीमेंटेशन, ठीक है। वो जाते ही आपको बोलते थे कि आप सप्लीमेंट्स लो, प्रोटीन लो, प्री वर्कआउट्स लो, ठीक है, एनाबॉल लो, जो आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को बढ़ाएगी, आपके मसल्स बनेंगे, बॉडी जल्दी बनेगी, राइट, एक शॉर्ट वे कह लो उस चीज़ को, ऐसा ही है, अभी भी अभी भी ऐसा आई ही है, है, ठीक ये है, ये लोग ऐसे चीज़ ही है। करते हैं। लेकिन उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स, अच्छा, ठीक है, सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल है, ठीक सर है। ये तो जो नई बात आज कर रहे हैं। की स्टडी है, हाँ, जितनी भी जिम पर्सन्स हैं, अगर आप बड़े बड़े जिम एथलीट्स को भी ले लो, तो उनके अगर डेथ रेशो देखो तो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है। और एज क्या रहती है, 35 साल, 40 साल, इससे ऊपर कोई भी जो एथलीट है वो नहीं गया, जो बॉडी बिल्डर है खास करके, हम उसको एथलीट नहीं कहेंगे, बॉडी बिल्डर कह सकते हैं। मतलब जिसने ये सप्लीमेंट्स लिए हैं बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, तो वो हार्ट पे सीधा इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आपकी मल्टी ऑर्गन इफेक्ट है उस चीज़ का। अच्छा, और एक नई स्टडी है, उसमें यह है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो एक प्रो लेवल पे करते हैं, अनएथिकल वे पे यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स को, सप्लीमेंटेशंस को, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो उनके कार्डिक हेल्थ पे, उसके साथ साथ डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गट हेल्थ तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, तो ये चीज़ें। तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल 40% लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है, और इसमें भी एक दो चीज़ें अलग अलग वेरी करती हैं। पहली चीज़ जैसे कि आप मान के चलिए, एक पर्सन को पता लग गया कि हमारे सोसाइटी में सबसे पहले लोग कहते हैं कि अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, राइट, तो यू हैव टू चेक द डायबिटीज़ रेशो, मे बी आपको डायबिटीज़ हो, ठीक है। जितने मैंने अपने क्लाइंट्स देखे हैं उन सब की यही एक मेंटेलिटी होती है हाँ, सबसे कि पहला अगर टेस्ट आप, वो हाँ यूरिन बिल्कुल, टेस्ट करते हैं, अगर आपको यूरिनेशन दिन में फ्रिक्वेंटली हो रहा है फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो आपको डायबिटीज़ चेक कर लेना चाहिए, मे बी आप हो डायबिटीज़। लेकिन जो नई स्टडी है उसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको अगर यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ है, अच्छा,
तो बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको यूरिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन स्टिल वो हाँ डायबिटिक है। यहाँ पे हम एक टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, विच कॉल्ड HbA1c। अच्छा तो उस टेस्ट के एक रेशियोज होते हैं, फिगर्स होते हैं। अगर वो फिगर आपका 8 क्रॉस कर रहा है तो यू आर डायबिटिक, 8 8 क्रॉस करता है। और वो जो चेक करते हैं कि बिफोर हाँ, मील आफ्टर जो मील ये जो है पैरामीटर्स इसको हैं। पोस्ट पेरेंटल कहते हैं, जो आप आफ्टर मील होते हैं, और फास्टिंग में होती है आपकी शुगर। फास्टिंग आपकी जाते हैं, हम जो लेते हैं नॉर्मल जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, वो है आपका 70 to 140 आपका होना चाहिए आफ्टर मील, 140 के आसपास, और बिफोर मील आपके 100 से नीचे नीचे होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका शुगर लेवल आफ्टर मील जो है वो 200 क्रॉस कर रहा है, सो यू आर डायबिटिक। ये चीज़ है इसमें क्रॉस मतलब करते अभी हैं। हम जैसे हम बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और मतलब लोग फिर भी फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब अवेयरनेस, नॉलेज नहीं है। सप्लीमेंट्स तो मतलब ज़्यादातर सुना है कि सप्लीमेंट्स तो क्योंकि हमारे फूड में नहीं मिलता, देखिए, हाँ, डाइट्स में नहीं ये मिलता जो आपने ये चीज़ कही है, तो। ये हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी यही एक सोच है, एक हाँ मेंटालिटी है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती खाने से, हाँ क्लियर है, तभी हम सप्लीमेंटेशन पे जाते हैं। राइट बट जो मेन साइंस कहती है कि अगर आपने एक कंप्लीट मील ली, ठीक है, जो अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन है, या जो INN है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो इंडिया में है, ठीक है, अहमदाबाद में, मैसूर में, सो उनका ये कहना है कि अगर आपकी जो प्लेट है अच्छा वो अगर कंप्लीट मील है, कंप्लीट मील ये है कि आपकी फूड जो है इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ 65% कार्बोहाइड्रेट, आपका 15% प्रोटीन, एंड रिमेनिंग आर फैट। अच्छा ठीक, अब ठीक है फैट में भी दो चीज़ें, आपका होना चाहिए सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक अनसैचुरेटेड है। राइट इसकी भी रेशियोज वेरी करती हैं परसेंट टू परसेंट। अब हमारे कम्युनिटी में क्या है कि लोग जो नॉर्मली खाते हैं घी, वो बेस्ट है, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि खाने पीने के टाइम पे आदमी इतना सोचता तो नहीं है, इतना नहीं इतना सोचता। पढ़ाई लिखाई तो नहीं करता, हाँ, बिल्कुल। अभी उसको जो अच्छा लगेगा वो मौके पे कहीं भी कैसे भी मिल रहा है, सड़क पे कुलचे मिल रहे हैं, बुखार है, जो मिल रहा है भटूरे मिल रहे हैं, सब बुखार मिल है, रहा है, वो तो टेस्ट है बिल्कुल टेस्ट है। बट एक चीज़ है, जैसे इतना सोच नहीं पाता वो उस नहीं टाइम सोच पे पाता, तो इसके लिए एक सिंपल तरीके से एक द प्लेट एक मेथड है या थ्योरी कह लें, जो अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने दी है, ठीक है। उसमें क्या है कि प्लेट में सांचे बने हुए हैं, या अगर हम उनको उस प्लेट को ना दे करके, कभी आप गुरुद्वारे गए हो या हाँ मंदिर गए जहाँ हाँ भंडारा वो होता बनी है, बनाई प्लेट हाँ, है जो बनी बनी प्लेट स्टैंडर्ड। होती है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा उसमें 5 खाने होते हैं, इस साइड आपका बड़ा ब्लॉक, फिर हाँ दिस वन आपका एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एंड ऊपर 3 ब्लॉक्स होते हैं। वो एक्चुअली एक पूरी मील का एक रेशो है, वो रेशो है, वो बनी सेट ही किया वो इस तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड है, है। बिल्कुल। अच्छा जो अच्छा आपका वो बड़े वाला हिस्सा है वो होना चाहिए आपका चपाती और राइस के लिए। अच्छा हम चपाती और राइस को मान लेते हैं ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, मेजर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ठीक इस पे है भी आगे हम बात करते हैं। राइट आपका जो ये साइड है ये होना चाहिए आपके वेजिटेबल्स के लिए, जो उसके जो मतलब थाली है, थाली जो के इस जो आपके तरफ लेफ्ट साइड में राइट जो ब्लॉक्स है वो आपके फ्रूट्स के लिए, सॉरी वेजिटेबल्स के लिए हो, वेजिटेबल्स के लिए। उसके ऊपर वाला जो ब्लॉक्स है वो आपका होना चाहिए पल्सिस के लिए, दालें। अच्छा आपका सेंट्रल पॉइंट जो है वो सैलेड के लिए होना चाहिए। ठीक आपका है लास्ट पॉइंट जो है ना, जो बीच बिल्कुल छोटा है एट द एंड ऑफ द राइट साइड ना, हाँ वो होना चाहिए आपके मिल्क प्रोडक्ट के लिए, जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप अच्छा की चीज़, या खीर हो गई, जो हाँ मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क से बनी हुई चीज़ है, ठीक है। अरे बिसाइड ऑफ दिस अ ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा वो आपकी इच्छा है गर्म पिए ठंडा पिए, वो हाँ डिपेंड ऑन द मूड। मतलब एक बार वो प्लेट खाली कर दो, दोबारा मत मांगना, दोबारा उतनी मत उतनी मांगना, उतनी हाँ काफ़ी है वो बिल्कुल काफ़ी है, और जितना आपकी प्लेट क्वांटिटी कलरफुल होनी उसके अंदर चाहिए। है हाँ दैट इज सफिशिएंट। दैट इज सफिशिएंट। राइट। तो सप्लीमेंट्स, मतलब हम लोग सप्लीमेंट पे आ गए थे, तो सप्लीमेंट्स का मतलब क्योंकि चलन ज़्यादा हो गया, हाँ रीज़न भी ये कि हमारे डाइट में वो चीज़ मिलते नहीं नहीं है, और मिलती मिलता भी है तो अडल्ट्रेशन के साथ मिलता है। बिल्कुल सो मतलब एग्जैक्टली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डायबिटीज़ पे आता है और हार्ट पे जाता हाँ, है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। देखिए, डायबिटीज़ जो है ये एक डिज़ीज़ के बाद की डिज़ीज़ है, अच्छा ठीक है,
बेस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी। ठीक है, सबसे पहले बेस यही है कि आप सपोज कीजिए कि डायबिटीज़ जो है ये होता क्यों है, मेजर कॉज है। ठीक है, राइट हमने जैसे कि पहले आपने कहा था कि हमें इतना ही पता है कि डायबिटीज़ दो टाइप की है, या तो टाइप हाँ, वन इंडिया है में या टाइप टाइप वन टाइप टू टू। सुनते हैं, उसके बाद तो ठीक बस है, इंसुलिन सुनते हैं और सुनते हैं कि भाई हाँ, अब या तो फिर बस अब तो ये टैबलेट्स आते हैं, खाने पड़ते हैं आपको, सुबह उठते हैं खाली पेट, तो ये चीज़ें हम सुनते हैं राइट और चीज़ें नहीं पता हमें, खास करके इस टॉपिक को लेकर के। बट यहाँ पे कई सारे टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, टाइप वन डायबिटीज़ जो आपको पैदा होते हुआ, टाइप ठीक, वन पैदा होते बच्चे को भी होता है। बच्चे को भी होता है। नाउडेज अगर आप करंट स्टडी अगर देखते हैं ना, तो बहुत से बच्चों को जो है वो डायबिटीज़ पैदा होते ही डिटेक्ट हो जाती है अरे और उसी टाइम से इंसुलिन लगना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को इंसुलिन लगता है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। आफ्टर सम टाइम ऐसा भी होता है कि डिटेक्ट नहीं भी, 12 साल का हुआ बच्चा, 14 साल का हुआ बच्चा, ठीक है, जिवेलियन डायबिटीज़ कहते हैं इसको, क्या जिवेलियन डायबिटीज़, जिविलियन? हाँ, अच्छा छोटे बच्चों की डायबिटीज़ कहते हैं इसको। ये आपको 12 साल में भी डिटेक्ट हो सकती है, 14 साल की एज में भी डिटेक्ट हो सकती है। आप कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, उनकी गुड़िया थी, 14 साल की बेटी है उनकी, तो उस गुड़िया का वेट था 67 kg, उबीज थी, मोटी थी, ठीक है, अच्छा तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान चौदह के, साल में चौदह सासठ साल में, सासठ किलो हाँ, हो बहुत जाएगा। ज़्यादा उबीज थी, अच्छा मोटी थी, ठीक है, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं वो, तो वो पेरेंट्स काफ़ी घबरा गए उनके कि बच्चा इतना मोटा है, क्या करना बचपन से चाहिए, ही क्या था करना इतना, चाहिए। बचपन से हाँ, पेरेंट्स ओबेज ही थोड़े, मतलब हेल्थी पेरेंट्स थे भी ऐसे थे एक, तो उनको बच्चे लगा कि भी, चलो अच्छा है, हाँ, अभी बट बाद तो में बाद घबराहट में होने लगा कि लगी, अब ये ज़्यादा हो हाँ, रहा है। क्योंकि जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि यार बच्चा फिट होना चाहिए, ठीक है, रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम का टाइम है, तो हर तब कोई फिट होना अवेयरनेस चाहता तब है। लगा कि हाँ ये हाँ, तो ज़्यादा हो रहा है। तो उनको जब लगा कि ठीक है अब हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे सोचने के 1-2 महीने के बाद पता लगा कि बच्ची का वेट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर 20 किलो घट गया, अपने आप अच्छा 20 किलो अपने आप घट गया। कैसे? और जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तब उन्होंने जा करके फिजिशियन को दिखाया, डॉक्टर को, डॉक्टर ने टेस्ट किया, उस टेस्ट में पता लगेगा कि बच्चे का HbA1c जो है वो 15 क्रॉस कर रहा है, बच्चे का जो शुगर लेवल है वो 500 क्रॉस कर रहा है, अरे ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है, देखिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है, हम कुछ भी खाते हैं, सपोज कीजिए हमने चपाती खाई, ठीक है, अब चपाती जैसे ही हमारे मुंह में गई, हमारे स्टमक में आई, वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, कुछ एंजाइम्स हमारे मुंह में प्रोड्यूस होते हैं जो उसका ब्रेकडाउन करते हैं, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे छोटे इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे फिर हमारे जो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, उसके बाद फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो छोटे छोटे कार्ब्स में, हमें एक एक कार्बोहाइड्रेट का नाम पता है जिसका नाम है ग्लूकोज, हाँ इतना इतना ही ही था, पता है, सही या बात जो है। हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है, ठीक है, हाँ राइट तो वो टूट गए, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं चाहे वो सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है, इस पे बारे बात करेंगे हम, तो वो टूट के एक ही चीज़ बनता है, वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं उसको, छोटे छोटे बाल की तरह ना, जैसे हमारे सर पे बाल है वैसे बाल होते हैं, छोटे छोटे फाइबर फाइबर फाइबर्स कह लो, हाँ, सिंपल भाषा में, काइंड ताकि ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सके, तो राइट वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट, कई सारे के सारे न्यूट्रिएंट वही एब्जॉर्ब होते हैं, तो वही होता है। अब इन खास करके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने के लिए एक सपोर्टिव की रिक्वायरमेंट होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं, अच्छा इंसुलिन आपका प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास, ठीक है, जो लीवर के नीचे है। अब क्या होता है कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं किया, निकाला नहीं। निकाले नहीं, हाँ वो एक डिफेक्ट हो गया जिसको डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट तो कर दिया, लेकिन उसको अंदर लेके जाने के लिए एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको GLUT1 और GLUT2 कहते हैं, ठीक है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब पहले हमने कहा कि या तो आपके वो पैनक्रियाज बने नहीं ने रहे, बना निकाल नहीं, बना हाँ नहीं रहे। बिल्कुल, ठीक अब है पैनक्रियाज आपका अच्छे से काम कर रहा है, उसने भरपूर मात्रा में सारा का बना सारा दिया, इंसुलिन भेज दिया, भेज दिया, ठीक है, लेकिन इंसुलिन भेजने के बाद जो वो जा नहीं इंसुलिन, रहा। हाँ, अब कॉमन सी बात है ना, आप मेट्रो से, घर से मेट्रो में बैठ के आए, अब मेट्रो थी आपकी इंसुलिन, उसने आपको ठिकाने पे पहुंचा दिया, ठीक बात है। अब आपको मेट्रो स्टेशन से घर आना था, तो उसके लिए आपको या तो
किसी की रिक्वायरमेंट चाहिए, चाहे ई रिक्शा है, चाहे किसी के फ्रेंड को बुला लिए, कुछ भी, तो जो वो ई रिक्शा है या फ्रेंड है या स्कूटर बाइक जो भी है वो कहलाते हैं ग्लूट, ग्लूट, ग्लूट वन, ग्लूट टू। हाँ, अब वो ग्लूकोज आप खुद हो, ठीक है, आपको उस रिक्शे वाले ने बिठाया और आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया। अब आपको वो रिक्शे वाले अड़ गया, नहीं मैंने तो नहीं पहुंचाना भाई, जो मर्जी कर लेता है। तो इसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिव। अच्छा, कि वो कैरियर ही नहीं है, वो अंदर जाएगा नहीं, वो आपके ब्लड में ही सर्कुलेट करता है। तो पहला जो नहीं क्रिएट कर रहा, तो दैट इज डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल, बीटा सेल्स, राइट। एंड नाउ द सेकंड वन इज सेंसिटिविटी, मतलब कि आपके इंसुलिन ही सेंसिटिव नहीं है, आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अब जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, सो फंक्शन करना है, काम करना है, दिनचर्या के काम करने हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें करनी है उसको, ठीक है। अब क्या करती है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लेगा आपकी दूसरे सोर्सेज से, जैसे प्रोटीन, अच्छा, फैट, इनको खाना स्टार्ट कर देता है। अब प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में इतनी अच्छी मात्रा में स्टोर जाता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं होता, अगर होता भी है तो सिर्फ आपके मसल्स में स्टोर होता है, अच्छा, और किसी चीज़ में नहीं। और आपका फैट जो है ये स्टोर होता है आपके एडिपोज सेल में, एडिपोज सेल हमारे पूरी बॉडी में, अच्छा, हाँ, पेट पे ज़्यादा है, इसलिए जो लोग ज़्यादा फैट खाते हैं वो जल्दी तोन निकल आती है, निकल आती है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बॉडी आपकी ये चीज़ें खाना स्टार्ट करती है, इसलिए साइलेंट किलर है ये, हाँ, धीरे 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 इसको वहाँ से नहीं मिल रहा, ये अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, एनर्जी को पूरा करने के लिए पूरी बॉडी को खा रहा है, बिल्कुल। अब उसके बाद फिर अब आपने कई सारे पेशेंट देखे होंगे डायबिटीज़ के, कि पेट उनका काफ़ी मोटा होगा, लेकिन जब उनके आप बाइसेप्स को देखते हैं कमजोर, बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, उनके चेहरे को देखना, जहाँ से उसको फैट मिला उसने खा लिया, हाँ, फैट, मसल्स, मसल्स, हमारे मेन मसल्स आपके बाइसेप्स हैं, थाइज़ हैं, यहाँ से बोले नसार कर देते हैं, तो ये इसका रोल है, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी ने वहाँ से वो सोर्सेज लिए, ठीक है, अब बॉडी जब कार्बोहाइड्रेट की जगह कुछ और यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जब हमने खाना खाया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें वॉशरूम जाना है स्टूल पास करने के लिए, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना हमारे खाने का, तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी के सोर्स के लिए चीज़ें यूज़ होती है उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये बाय प्रोडक्ट जो है, या ये तो स्टूल से एक्सक्रीट होंगे या यूरिन से, अगर यूरिन से एक्सक्रीट होंगे तो आपके किडनी पर लोड पड़ेगा, ठीक है। अब किडनी में क्या होता है कि अगर आपका बाय प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन का क्रिएटिनिन बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रिएटिनिन एक प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में होता है, इसका बाय प्रोडक्ट बनता है फिर उसके बाद। अब जब इसका बाय प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का यूज़ ज़्यादा किया बॉडी ने, उसका बाय प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, तो डायरेक्टली लोड किस पे पड़ेगा, किडनी पे। तो आपका जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो किडनी पे सीधा डैमेज। अब जितने भी लोगों को किडनी फेलियर होता है, ठीक है, उसके दो मेजर कारण, या तो डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, बीपी, ये दो मुख्य कारण है। उसका स्टोरी बीच में रह गया, हाँ, उस लड़के का, मैं इसलिए इस पॉइंट पे आ रहा था। तो जब उनको मतलब पता लगा से जैसे ये 20 किलो वजन, हाँ, 20 किलो वजन उनका टूटा, तो ये सारा मैकेनिज्म समझाने का मकसद यही था। 20 मतलब एक महीने के अंदर जैसे ड्रॉप हुआ, और ये भी हुआ कि उन्होंने सिर्फ सोचा, हाँ बिल्कुल, कि हमें भी ज़्यादा ओबीज है, तो ये मतलब ये कैसे काम हुआ कि सिर्फ सोचने से नहीं, सोचने से नहीं, मतलब कि उन्होंने अपने एक बताया कि हम पहले ऐसे सोच रहे थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है तो हमें कुछ कर लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को डाल लेते हैं, कुछ भी करा के, तो उन्होंने फिर देखे, मतलब सोचते सोचते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम ये चीज़ डिटेक्ट हुई कि बच्चा जो है वो सडनली वीक होना शुरू हो गया। अच्छा, उन्होंने फिर उनकी टेस्ट वगैरह कराए एग्जामिनेशंस में, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकला कि वो डायबिटीज़ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि जब सडन अटैक आता है डायबिटीज़ का, तो उस टाइम पे हम मजबूर हो जाते हैं इंसुलिन लेने पे,